कल्याण ज्वेलर्स। हेलो कल्याण ज्वेलर्स, ठीक है कल्याण ज्वेलर। दूसरा दूसरा सुजलोन एनर्जी कल्याण ज्वेलर्स। हाँ जी सुजलोन एनर्जी की खरीद है 5.50 रुपए। 5.50 रुपए। हाँ जी पहले तो जितेंद्र आपके ना जो धैर्य है ना उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि कई सारे लोगों का ना पेशेंस एग्जॉस्ट हो गया था कि सुजलोन चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा, लेकिन आपने 5.5 की भी होल्डिंग को आपने कायम रखा और बहुत ही अमेजिंग भाव पर हम कहेंगे कि आपने उसमें एंट्री ली है, तो बहुत बधाई है आपको। प्रॉफिट तो आपको देखिए अच्छा खासा हो रहा है, 1,38,000 रुपए का प्रॉफिट सुजलोन कमा के दे रहा है। मतलब ऐसा स्टॉक जिससे कमाई की उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी उससे आप कमाई कर रहे हैं, तो पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए। इस पर व्यू लेंगे, उसके बाद हम कल्याण की भी बातचीत करेंगे। सौरभ जी सुजलोन 10 रुपए से नीचे का स्टॉक और चलते 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 अब ये 40 रुपए के ऊपर आकर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करें यहां पर जितेंद्र, प्रॉफिट टेकिंग कर लें? 4,000 शेयर है तो क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी कि 2,000 या 3,000 शेयर बेच के अपने प्रॉफिट पहले बिल्कुल सुरक्षित कर लें उसको और बाकी 1,000 या 1,500 शेयर होल्ड रखें? कहूं कि बाजार इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देख रहा है, कंपनी का डेट कम हो गया है, शायद ये टेक ओवर कैंडिडेट के रूप में भी कंपनी को देखा जा रहा है। पिछले दिनों कुछ इनके अप्रूवल्स भी आए जहां पर इनकी क्षमता है जो प्रोडक्ट बनाने की, तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बाजार इनके टर्न अराउंड पे बिलीव कर रहा है और इसीलिए स्टॉक री रेट हो गया है। जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, मैं समझता हूँ 30% इनको 1/3 हिस्सा तो जरूर बुक कर लेना चाहिए और बाकी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं और हर लेग में जब आपको लगे कि थोड़ा मुनाफा और बढ़ गया है तो वहां पर थोड़ा थोड़ा बेच देना चाहिए। एक क्विक आपसे राय चाहेंगे सौरभ जी, थोड़ा सा